हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ऑफ आईसीएससी क्लास 8। बच्चों, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम जो ये चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट सपोज अगर मैं एक पेन लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक पेन लिया, ठीक है, और मैंने ये पेन लिया शॉपकीपर से, ठीक है, कितने रुपए में, 10 रुपीज में मैंने ये पेन लिया। तो इसका जो 10 रुपीज, जो जो चीज मैंने शॉपकीपर से ली, वो मेरी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। क्या होगी वो, कॉस्ट प्राइस, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस। इसको मैं सीपी भी बोलता हूँ, कॉस्ट प्राइस मतलब मेरी सीपी। तो पेन अगर मैंने शॉपकीपर से लिया 10 रुपए का, ठीक है, तो वो क्या होगी मेरी, कॉस्ट प्राइस, राइट। अब वही पेन, वही सेम पेन मैंने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, कितने रुपए में, 15 रुपए में। कितने रुपए में मैंने उसको सेल किया, तो वो मैंने सेल किया उसको 15 रुपीज में। कितने रुपए में, 15 रुपीज में। तो ये जो मैंने सेल किया है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो 15 है, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको मैं एसपी भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एसपी। ठीक है, अब आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि भाई कोई पेन आपने लिया 10 रुपए का और उसको बेच दिया 15 रुपए का, तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, फायदा हो गया, कितने रुपए का फायदा हो गया, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ आपको, कितने रुपए का हुआ, देखो 15 में से जब मैं 10 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे प्रॉफिट आ गया 5 रुपए का। कितने रुपए का, 5 रुपए का। और ये 15 क्या था मेरे पे, सेलिंग प्राइस, तो एसपी। और 10 क्या था मेरे पे, कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो जो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो यहां से देखो प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला भी पता चल गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी, तो उससे मेरे पे कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। सिंपल है ना। ऐसी सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूं आपको, अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई एक पेन था जिसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये थी, कितनी थी, 10 रुपये, और वही पेन मैंने बेच दिया कितने रुपए में, लेट सपोज 7 रुपए में उसको बेच दिया, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 रुपए की। तो अब यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे कि भाई मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा था और 7 रुपए में उसको बेच दिया, तो मुझे अब क्या हुआ, घाटा हो गया, मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ भाई, जब मैं 10 माइनस 7 करूंगा तो मेरे को कितने का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। तो ये 10 क्या था मेरा, सीपी, ये 7 क्या था मेरा, एसपी। तो लॉस का जो फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है लॉस का हमारा फॉर्मूला। तो देखिए यहां से आपको पता चल गया होगा कि भाई प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है ना। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलूं लॉस परसेंट क्या है भाई, क्या बोलूं मैं, लॉस परसेंट क्या बोल दूं, एक क्वेश्चन आया था भाई लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस परसेंट क्या होता है, जो भी मेरा लॉस होता है अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, नोट इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में लिख लो, हमेशा याद रखना। ये देखो जो स्टार बना रहा हूं, ये हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहने वाला है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। नीचे हमारी क्या है, जेब है, तो कॉस्ट प्राइस जो पैसा रहने वाला है वो मेरी जेब में रहने वाला है। ये याद करने का तरीका है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सिंपल। ठीक है, लॉस परसेंट है तो 100%। ऐसे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई, जो मेरा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, नीचे क्या होने वाला है हमेशा, कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100%। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो सीपी होता है वो हमेशा नीचे रहता है, बस ये हमेशा आप याद रखोगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता है, बहुत ही इजी हो जाता है, सीपी हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम कुछ फॉर्मूलेज में आते हैं। अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, सर ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है क्या चीज, तो मैं इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ बेस्ट, कि मैंने क्या ली, एक साइकिल ली, मैंने एक साइकिल ली कितने रुपए की, लेट सपोज मैंने साइकिल ली 10,000 की, कितने की, 10,000 की, 10,000 की मैंने क्या ली, एक साइकिल ली। ठीक है, और फिर मैंने क्या लगाया उस पर, डिस्क ब्रेक भी लगा दिया, क्या लगा दिया, एक डिस्क ब्रेक लगाया मैंने, पता है ना आगे वो ब्रेक रहता है साइकिल पे,
डिस्क ब्रेक लगाए, ठीक है, वो मेरा कितने का पड़ा, लेट सपोज वो पड़ा मेरा 2000 रुपये का, 2000 रुपये का मेरा डिस्क ब्रेक लग गया, ठीक है, मैंने डिस्क ब्रेक लगाया 2000 रुपये के, और यहां पे मैंने इस साइकिल को कर दिया सेल, इस साइकिल को। अब ये जो मैंने देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, साइकिल मैंने ली 10,000 की और उस पर डिस्क ब्रेक और लगा दिए, तो अब ये साइकिल की तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, ये हो गई मेरी, ये हो गई मेरी 10,000, और यहाँ पे 10,000 में मेरे पे कितना और जुड़ गया, 2,000 और जुड़ गया, तो ये हो गया मेरे 12,000 रुपये की, है ना, 10,000, 10,000, 10,000, तो ये अब कितने की होगी मेरी, 12,000 की होगी। भाई 10,000 की मैंने साइकिल ली जिसमें से मैंने 2,000 का उसमें डिस्क ब्रेक लगा दिए, तो अब वो मेरी साइकिल कितनी की होगी, 12,000 की नहीं हो गई, समझ में आ रहा है। तो यही मेरा क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने जो बाद में किए, अब इसकी कॉस्ट प्राइस अभी मेरी कितनी थी, 10,000 रुपये थी, अब इसमें मैंने 2,000 रुपये की डिस्क ब्रेक और लगा दी, तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी, 12,000 रुपये। अब इसको मैंने सेल कर दिया यहाँ पे, लेट सपोज इसको मैंने सेल कर दिया 8,000 रुपये में, कितने में, 8,000 रुपये में, तो अब मुझे लॉस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस हो जाएगा मेरा क्या, सीपी माइनस एसपी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12,000 में से जब मैं 8,000 माइनस कर दूंगा तो जो भी हमारा आएगा वो मेरा लॉस हो जाएगा, फिर ऐसे ही मैं लॉस परसेंट भी निकाल सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जो मैंने जब साइकिल परचेज की उसके बाद मैंने उस पर क्या लगाया, उस पर सीट लगा दी, ये लगा दिया, बहुत सारी चीजें लगा दी, तो वो मेरी ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो भी हमारी ऐड हो जाती है सीपी पे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो काफी मजा आने वाला है, समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ इजी हो जाता है ना। अब इस पर कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, अभी तो हमने ऊपर फॉर्मूलेज देखे थे, अब हम थोड़े से टफ फॉर्मूले देखते हैं, और उस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमें जिंदगी भर याद रहने वाले, ठीक है, चलो देखते हैं उसको। तो बच्चों यहाँ पे ये बहुत स्टार पॉइंट है, की पॉइंट है, यहाँ पे अगर बोला हुआ है आपको कि आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस एसपी अगर आपको निकालना है, आपको सीपी गिवन है, आपको गेन अगर गिवन है, अगर आपको लॉस गिवन है, तो आप कैसे हमारा एसपी निकालोगे। तो देखो एसपी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एसपी इक्वल्स टू 100+ गेन परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू सीपी, और अगर यहाँ पे लॉस है तो हो जाएगा एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे फॉर्मूलेज है कि भाई अगर मेरे को एसपी निकालना है और हमें गेन दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो ये ऐसे करके निकलता है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों एसपी सेलिंग प्राइस हमेशा ऊपर रहने वाला है, एसपी हमेशा ऊपर रहेगा। देखो अगर मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर मुझे सीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, और मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, मुझे क्या क्या चीज गिवन है, भाई एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है मुझे, लॉस गिवन है मुझे, तो मैं एसपी कैसे निकाल, मैं सीपी कैसे निकालूंगा। आपको पता है सीपी हमेशा नीचे रहता है, नीचे हमारे जेब में रहने वाला है, तो सीपी अगर हमें पता है कि नीचे रहेगा तो एसपी ऑब्वियस सी बात है ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं पहले सीपी का केस करता हूँ कि सीपी हमने मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया था कि सीपी हमेशा नीचे रहता है, तो याद रखो तो जो मेरा सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा देखो 100 अपॉन, ये नीचे रहने वाला है, तो अगर गेन है तो ये 100 के साथ ऐड होगा, गेन या फिर प्रॉफिट बोल सकता हूँ, इनटू एसपी, और अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन लॉस है तो नीचे ही रहेगा, माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस परसेंट या फिर लॉस है ना इनटू एसपी। ऐसी सिमिलरली अगर देखो यहां पे सीपी था तो नीचे था, ये 100 प्लस गेन नीचे था, 100 माइनस लॉस नीचे था, अगर एसपी की बात करूं सेलिंग प्राइस की तो ऊपर रहने वाला है, तो 100 प्लस गेन 100 माइनस लॉस, तो जहां पे अगर गेन है वहां पे प्लस होगा, लॉस है वहां पे माइनस होगा, सिंपल है ना। तो ये बहुत ही इजी तरीके हैं इसको याद करने के, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाने वाले है ना। तो ये हमारा एक याद करने का तरीका था, मैंने आपको इस पे बता दिया कैसे इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्काउंट, तो बच्चों अब हम करने वाले हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल मजे वाला टॉपिक है, जैसे हम प्रॉफिट पढ़े अभी
लॉस पड़े, अब हम करेंगे डिस्काउंट। अब आपने देखा होगा भाई, अब कपड़ों की शॉप में देखते हैं, कहीं भी अच्छे अच्छे मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है जैसे 50% डिस्काउंट, है ना, 70% डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन दिस आइटम, डिस्काउंट ऑन दैट आइटम। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये हमेशा किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। जैसे कि कोई कपड़ा लोगे उस पे एक टैग होता है, वो होता है मार्क प्राइस, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई इतना रुपए का है। तो वो हमारा क्या होता है? मार्क प्राइस होता है, एमपी जिसे बोलते हैं। इसी को हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं ना। तो ये जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। तो अभी हमने देखा कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा, वो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो जो सेलिंग प्राइस होगा मेरा, जिस कीमत में मैं कुछ चीज बेच रहा हूँ, तो वो क्या होगा? मार्क प्राइस में से जब मैं डिस्काउंट को माइनस करूंगा ना, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो मेरा सेलिंग प्राइस, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल देकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है मेरा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो मैं सेल करता हूँ, जो मैंने सेल किया। जैसे मैंने ये पेन सेल किया, तो ये पेन सेल कर रहा हूं मैं, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा। यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से जब मैं डिस्काउंट माइनस करूंगा, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, ये याद करने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। वैसे सिमिलरली इसी से मेरा क्या आएगा? डिस्काउंट हो जाएगा मेरा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मेरा कितना डिस्काउंट आया जब मैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा, तो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। इसी इसी फॉर्मूले से ये भी बन गया। अब यहां से देखिए एक और फॉर्मूले बनेंगे, जैसे कि जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस मैंने हमेशा बोला था आपको ऊपर रहने वाला है, कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा? देखो 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट में दोनों तरफ माइनस ही होता है, ठीक है, कि माइनस ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट से किसको माइनस माइनस क्यों हो रहा है? ये डिस्काउंट है ना, ये हमें माइनस क्यों होता है? क्योंकि जो वो पैसा, जो पैसा हम दे रहे थे वो कम होके होगा ना, उस वो हम पे हम हमारा फायदा हो रहा है ना उस पे, और जो बेच रहा है उसका थोड़ा सा नुकसान होगा। इसलिए वो जो डिस्काउंट है वो हमेशा माइनस होने वाला है, ये डिस्काउंट हमेशा माइनस पे रहेगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस ये होगा नीचे होगा, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सेलिंग प्राइस, सिंपल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देखता हूँ, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक पेन लिया जिसकी मार्क मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या है उसकी, 60 रुपीज है, और डिस्काउंट में अगर उस पर 10 रुपए का दे रहा हूँ, तो जो सेलिंग प्राइस होने आने वाली है वो कितनी होगी? 50 हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10 रुपीज, तो ये आ जाएगा 50 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी उस पेन की वो कितनी होगी? 50 रुपए होगी। मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया उस पर, उसके मार्क प्राइस पे। तो जो भी डिस्काउंट होता है वो सिर्फ मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखनी है आपको, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाता है, बस ये याद रखना आपको, है ना। जो हमें डिस्काउंट दे रहा हूँ, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस क्या होगा? 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने यहाँ पे करा दिया है, और यहाँ से अब आपको बहुत ही प्यार से इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, और चलो इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चों आपको पहले ये जो जितने भी फॉर्मूलेज है इसको एक कॉपी में लिख लेना है, और उस कॉपी में लिख कर किसी मिरर के आगे लगा दो, जो आप रोज देखते हो, है ना, जैसे बाल बनाते हो आप, शीशा देखते हो, वहां पे लगा दो, रोज देखोगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाने वाले, है ना। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसमें।